हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स क्लासेस ऑफिशियल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज चल रही है, जिसकी मैंने कुछ वीडियोस चैनल पर अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर वहाँ से चेक कर लीजिए कि मैंने एनसीईआरटी की 6 से लेकर 12 तक की जो साइंस की समरी है वो मैक्सिमम टॉपिक्स उसके कवर करने की कोशिश करी है, जो आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, सीटेट का एग्ज़ाम, नेट का एग्ज़ाम, सीएसआईआर का एग्ज़ाम, बहुत जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स हैं उसमें वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आपको अलग अलग बुक या पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैंने ये मैक्सिमम कोशिश यही करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक समरी में कवर हों और आप तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए। इसीलिए मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है साउंड। साउंड का मतलब है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि हम देखते हैं, ध्वनि क्या होती है। हमने वर्ड तो सुना है साउंड, लेकिन साउंड होता क्या है। देखिए, साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन थ्रू द एयर और एनी अदर मीडियम्स। देखिए, साउंड जो है एक एनर्जी की फॉर्म होती है, जो कि किसके माध्यम से वर्क करती है, किस एयर में, किस में, वाइब्रेशन के माध्यम से वर्क करती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, क्या उसका साउंड का माध्यम क्या होता है, वाइब्रेशन। ठीक है, और वो किस में कंसिस्ट होती है, एक एनर्जी की फॉर्म में कंसिस्ट होती है साउंड, और वो ट्रैवल करती है वाइब्रेशन की फॉर्म में। अब हमने सुना वाइब्रेशन की फॉर्म में ट्रैवल तो करती है, ठीक है, लेकिन वाइब्रेशन क्या होता है। देखिए, वाइब्रेशन इज डिफाइंड एज ए रैपिड टू द फ्रो और अप एंड डाउन मूवमेंट अबाउट ए मेन पोजिशन। या हम कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, वो ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर हिलना शुरू करेगा, मूवमेंट करना शुरू करेगा अपनी पोजीशन से, उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। जस्ट लाइक फोन, फोन जो है, अब हम देखेंगे कि फोन अगर हमने साइलेंट पर डाल दिया तो वो साइलेंट पर ही है, हमें नहीं पता चलेगा, वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन जब वो वाइब्रेशन पर हम उसको डालेंगे तो वो अपनी एक्यूरेट पोजीशन से इधर उधर जो है मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। जस्ट इसका मतलब ये हुआ कि वो वाइब्रेशन कर रहा है। ठीक है, वाइब्रेशन ट्रैवल थ्रू ए मीडियम सच एज एयर एंड रीच अवर ईयर्स वाई दे आर इंटरप्रिटेड बाई द ब्रेन एज साउंड। देखो, जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन हुआ है तो साउंड प्रोड्यूस हुई है, तो वो हमारे साउंड प्रोड्यूस हुई है तो एयर के माध्यम से हमारे ईयर्स तक पहुंचती है। ठीक है, ईयर्स के बाद वो हमें उससे किस तरह से डिकोड करता है, किस तरह से इंटरप्रिटेट करता है, वो हमारे ब्रेन का काम होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की क्या स्पीड होती है, स्पीड ऑफ साउंड चेंज विद द चेंज इन मीडियम। जो साउंड की जो स्पीड होती है वो माध्यम वो बदलती रहती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मीडियम, माध्यम के अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती है। स्पीड जो है हमारी फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है। मान लो जिस तरह की फिजिकल स्टेट होगी उसी तरह का हमारा साउंड की स्पीड होगी, जिस तरह का टेम्परेचर होगा उसी तरह की हमारी साउंड की स्पीड होगी। जैसे कि जो हमारी साउंड की स्पीड है, देखिए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस तक होती है। सबसे ज़्यादा हमारी साउंड का जो स्पीड होती है वो सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, उसके बाद गैस में होती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि इसको एक फॉर्म में लिखिए कि सबसे ज़्यादा साउंड इसकी स्पीड जो है किस में होती है, सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है, उसके बाद फिर गैस में होती है। ओके, नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम। देखिए, मैक्सिमम सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है, एंड मिनिमम जो होती है वो गैस में होती है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए, अब हमारा आता है लर्नेक्स। लर्नेक्स क्या होता है, लर्नेक्स हमारा जो है वो नेक के बीच में होता है। ठीक है, देखो, बॉयज़ों के आपने देखा होगा नेक के बीच में इस तरह से जो है एक पुटोन होता है, उसको हम लर्नेक्स बोलते हैं, जिससे हमारी जो वॉइस है वो डिकोड होती है, वॉइस जो निकलती है इसमें होता है, जिसका बॉयज़ की थोड़ी हम कहते हैं ना भारी आवाज़ है बॉयज़ की, और गर्ल्स की बहुत पतली आवाज़ है, वो किस पर डिपेंड करता है, वो लर्नेक्स पर डिपेंड करता है। देखिए, उसमें सेकंड है हमारा कि वो किस तरह से कंट्रोल करता है उसको। देखिए, जैसे ये हमारा लर्नेक्स है, उसके बीच में ट्यूब आती है, ट्यूब में हमारी एयर जो है, एयर पास आउट होती है। जब एयर पास आउट होती है तो ट्यूब वो अकॉर्डिंग टू वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती है, तो उस वाइब्रेशन से जो है हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइब्रेशंस की। वाइब्रेशन की 3 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि वन सेकंड में हम कितनी बार नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जितने भी नंबर ऑफ वाइब्रेशन होंगे, जितने भी ये वेव्स होती हैं, वन सेकंड में ये कितनी वेव्स जो हैं बनती हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सेकंड के अंदर जो कंपन की संख्या होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज, जिसको हम एच जेड से लिखते हैं, और फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होती है एम्पलीट्यूड। अब देखिए, फ्रीक्वेंसी मैंने बताया, एक सेकंड में जितनी बार वाइब्रेशन होगा उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब एक सेकंड में ये जो वेव है, जितनी बार भी वाइब्रेट करे, वाइब्रेट करने पे ये चीज़ जो होती है, मतलब वेव्स की जो संख्या होती है, 1 हो गई 2 3 4, जितनी भी वेव्स की संख्या होती है, जो भी मैक्सिमम वाइब्रेशन होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये हमारा वेव एम्पलीट्यूड कहलाता है।
ओके अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की, कि टाइम पीरियड इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड जो होता है, जो भी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करती है, जितने टाइम में वाइब्रेट करती है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, 1/ फ्रीक्वेंसी, या हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/ टाइम पीरियड या टाइम टेकन, जितना भी समय लिया गया है वाइब्रेट करने में, ओके उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, साउंड की भी थ्री कैरेक्टरिस्टिक हैं, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी को हम टिम्बर के नाम से भी जानते हैं। लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस हमारी जो है एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, ठीक है। किसी को देखा होगा तेज बोल रहा है, कोई बहुत धीरे बोल रहा है। लाउडनेस टू टाइप्स की होती है, सॉफ्ट एंड लाउड। सॉफ्ट जब होंगी तो जो एम्पलीट्यूड है वो कम बनेगा, ठीक है, और लाउड होगी तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा बनेगा, ठीक है। जब हम धीरे से बोलेंगे, बहुत सॉफ्ट बोलेंगे, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम धीरे वाइब्रेट होंगी, एम्पलीट्यूड जो है कम बनेगा। और लाउडनेस तेज अगर हम बोलेंगे तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा बनेगा और चीज़ें बहुत तेज़ी से वाइब्रेट होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं पिच। पिच जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। पिच भी हमारी टू टाइप्स की होती हैं, लो एंड हाई। देखिए अगर हम धीरे से बोलेंगे तो पिच हमारी बहुत कम होगी, ठीक है, लो होगी फ्रीक्वेंसी। जो वेव्स हैं वो हमारी धीरे बनेंगी, आपने देखा होगा, देखिए वेव्स जो हमारी कम बन रही हैं। और जब हम हाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारी तेज़ी से होंगी, वाइब्रेशन बहुत तेज़ी से होगा, तो पिच जो है वो हाई रहती है। क्वालिटी जो हमारी वेव फॉर्म पर डिपेंड करती है, हम देखेंगे इसकी वॉल्यूम बहुत, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, हम कोई भी वीडियो देखते हैं या कुछ कहते हैं ना कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वो हमारी वेव फॉर्म पर डिपेंड करती है। जब हम बोलते हैं तो वो जो हमारी वेव फॉर्म है वो एक्यूरेट फॉर्म में बन रही है या नहीं बन रही है। अगर वो क्लियर बन रही है, वेव फॉर्म क्लियर बन रही है तो हमारी क्वालिटी अच्छी है। अगर वो मिक्स्ड बन रही है, बहुत सारी ओवरलैपिंग हो रही है, तो हमारी जो वॉल्यूम साउंड की जो क्वालिटी है वो सही नहीं है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन ईयर के बारे में, कि हमारा जो कान है वो क्या कहलाता है, ठीक है, क्या होता है। ह्यूमन ईयर हमारे थ्री पार्ट्स में होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। जो हमारा आउटर ईयर होता है, देखिए हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जो आउटर ईयर है, आउटर ईयर हमारा पिन्ना से लेकर के ऑडिटरी कैनल तक होता है, ठीक है। और मिडिल ईयर हमारा ऑडिटरी कैनल से लेकर के हमारा ईयर ड्रम तक होता है। जो ईयर ड्रम है ना, ईयर ड्रम तक हमारा मिडिल ईयर होता है। एंड इनर ईयर ईयर ड्रम से लेकर के ऑडिटरी नर्व्स तक होता है। देखिए हमने वॉल्यूम्स, जो भी वॉल्यूम है, साउंड है, वो हमारे ईयर ड्रम तक तो पहुंच गई, लेकिन वो ईयर ड्रम से हमें कैसे पता चलेगा कि वो कैसी साउंड है, क्या क्वालिटी है, किस तरह की है, किसकी है, हैं? तो वो हमें ऑडिटरी नर्व्स जो हैं, ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा ही वो ब्रेन तक पहुंचती हैं, तब वो ब्रेन उसको साउंड को डिकोड करके हमें समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। अब देखते हैं आउटर ईयर। आउटर ईयर में जो है पिन्ना, ईयर कैनल और ईयर ड्रम कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। पिन्ना जो है साउंड को गैदर करता है, साउंड को इकट्ठा करता है, जो बाहर का एरिया है हमारा, वो साउंड को उसमें पिन्ना जो है वो साउंड को कलेक्ट करता है और मिडिल ईयर तक पहुंचाता है। मिडिल ईयर में जो ईयर ड्रम है, वो ईयर ड्रम में सारी जो वॉल्यूम्स होती हैं वो कलेक्ट होती हैं, जो कि हैमर तक, एविल तक, स्टेयर की मदद से कहाँ तक, इनर ईयर तक पहुँचाई जाती हैं। फिर जो इनर ईयर का काम होता है, वो वॉल्यूम को कंसिस्ट करके, ठीक है, वॉल्यूम को कंटेन करता है, और जो न्यूमिरस सेल्स होती हैं विद हेयर्स के साथ, जो न्यूमिरस सेल्स होती हैं उनको हम सेंसिटिव हेयर सेल्स भी कहते हैं, उनमें ट्रांसमिट करती है और ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा ब्रेन तक पहुंचाती है, ठीक है, उसको कहते हैं हम इनर ईयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए ऑडिटरेबल साउंड जो होता है वो सुनाई देता है, ठीक है, और इनऑडिटरेबल साउंड जो है वो सुनाई नहीं देता है। ये टू टाइप्स की साउंड होती हैं, ऑडिटरेबल साउंड जो होती हैं वो सुनाई देती हैं, इनऑडिटरेबल साउंड जो होती हैं वो सुनाई नहीं देती हैं। जो ह्यूमन ईयर है वो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, ह्यूमन ईयर के सुनने की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में होती है, ठीक है। लो फ्रिक्वेंसी साउंड जो होती है वो हमें सुनाई नहीं देती है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट करता है फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है, वो 20,000 हर्ट्ज़ जो है प्रोड्यूस करता है साउंड को। यदि कोई ऑब्जेक्ट फ्रिक्वेंसी वाइब्रेट कर रहा है तो वो 20,000 हर्ट्ज़ साउंड प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम सुन नहीं सकते, विच ऑल्सो कैन नॉट बी हेयर्ड बाई यस, वो हमारे द्वारा सुना नहीं जा सकता, उसको हम अल्ट्रासोनिक साउंड्स भी कहते हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड के अंदर जो भी साउंड्स होती है वो साउंड्स की फ्रिक्वेंसी 20,000 होती है, जिसको हम सुन नहीं सकते, जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही सुन सकते हैं। देखिए अब हमारा आता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो थ्री टाइप्स में ट्रांसफ़र होती है, रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ठीक है। कंडक्शन, रेडिएशन जो होता है वो इट ट्रांसफ़र हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो रेडिएशन है वो हीट को ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, ठीक है, जिसमें हमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। बट कंडक्शन जो होता है वो हीट को डिस्पैस करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बाय द मॉलिकुलर वाइब्रेशन। मॉलिकुलर वाइब्रेशन के थ्रू वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हीट को डिस्पैच करता है, जिसमें उसको एक माध्यम की जरूरत होती है हीट को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, उसको हम कंडक्शन कहते हैं। जब हम किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हीट ट्रांसफर करते हैं बाई द मीडियम, किसी भी मीडियम की आवश्यकता से, वो कंडक्शन कहलाता है। कन्वेंशन क्या होता है, हीट जो है ट्रांसफर होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बाय द
ट्रांसफर ऑफ मॉलिकुलर्स, जिसके साथ हीट के साथ साथ उसके मॉलिकुलर्स भी ट्रांसफर होते हैं, उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। और इसमें हीट ट्रांसफर करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए इस डायग्राम के हेल्प से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये हमारा रेडिएशन होता है, रेडिएशन हमारी जो फायर जो है, देखिए यहाँ पे ये हमारी फायर है, फायर को जो है रेडिएशन कहा गया है क्योंकि इसमें एनर्जी जो है, एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, रेज वेव्स पार्टिकल ट्रांसमिट हो रहे हैं, मगर इसमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कंडेंशन। कंडेंशन में एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक हीट प्रोड्यूस हो रही है बाय द मीडियम, जिसमें मीडियम की आवश्यकता होती है, बट मॉलिकुलर्स नहीं ट्रांसमिट हो रहे हैं। लेकिन कन्वेंशन में हीट के साथ साथ मॉलिकुलर भी मोशन कर रहे हैं और मॉलिकुलर का भी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको कन्वेंशन कहा गया है। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूँगी इसका मैं नेक्स्ट पार्ट में ही पूरी समरी कंप्लीट कर दूँ, बट अगर एक दो टॉपिक अगर रह गया होगा तो मैं कोशिश करूँगी उसको भी कंप्लीट कराने की। ठीक है, अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।